आज हम बात करेंगे डिफाइन नेम के बारे में। अब इस एरिया को सम करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? नॉर्मली आप इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगाते हैं क्या? यस सर। सम करना है आपको, तो आप यहाँ करेंगे इक्वल सम, और इसको यहाँ से एक पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, तब जाके एक्सेल पे आपको सम लगे, यहाँ पे आपका सम लगा। अब इसको नीचे आगे पीछे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपके फ्री आपके जो एरिया है उसको फ्रीज करना पड़ेगा। लेकिन आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फॉर्मूला मेनू बार के अंदर आपको यहाँ दिखेगा डिफाइन नेम। इस डिफाइन नेम पे क्लिक करके आप क्या करें, इसका एक नेम बना दें। जैसे इसका नाम हमने बना दिया डी टी, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया इक्वल। इक्वल करने के बाद अब मुझे कहीं भी इस सीट पे या किसी और सीट पे मुझे अगर इस रेफरेंस को चाहिए तो हम यहाँ पे कर देंगे डी टी और एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि आपका डी टी यहाँ पे आ गया। अब ड्रैग करना कुछ भी करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मली जैसे करते हैं उसे कर सकते हैं। ओके, ये तो इसका बेसिक पार्ट, ये तो बेसिक पार्ट हुआ। लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इस केस में हम यूज करते हैं नेमिंग रेंज मेथड। जी हाँ, नेमिंग रेंज मेथड यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए बात करते हैं। तो क्या इसका क्या बेनिफिट क्या है, चलिए इस पे हम जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्वार्टर वन और दूसरा यहाँ पे हमारा क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन यहाँ पे 50 सेल करता है, क्वार्टर टू यहाँ पे 60 सेल करता है। मुझे यहाँ ग्रोथ निकालनी है। अब जो ग्रोथ आपको निकालनी है तो कैसे निकालें, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे कि फॉर्मूला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और आई थिंक आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 20%। पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्ट आया है ये फॉर्मूला के थ्रू आया। अब मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन हम शेयर ना करें किसी से, मतलब कि कोई जनरली इसको डायरेक्ट जाके ना देख सके। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां आऊंगा फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में मैं यहाँ पे जी आर है जो देना चाहते हैं नेम दे दीजिए, और उस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट कर। हमने फॉर्मूला क्या पेस्ट किया, बी टू माइनस ए टू स्लैश ए टू, दैट ओके कर दीजिए। अब जनरली हम इसको देखिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है इक्वल जी आर लगा देना। जी आर लगाते ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 20% ऑटोमेटिकली लग गया, और यहाँ पे जो नंबर्स है ना इन नंबर्स को भी आप नीचे की तरफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेल यस में सर। कहीं भी जैसे मैंने यहाँ पे 85 कर दिया, यहाँ पे 82 कर दिया, इक्वल जी आर लगाइए एंटर प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। अब ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि पी है हमारे पास, आर है और टी है यहाँ पे, और पी मान लीजिए 50,000 है, रेट आपका कुछ और है, टाइम आपका कुछ और। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना चाहता हूँ वो तो कैलकुलेशन हमें रेट और टाइम हमारा फिक्स है, हमें इस पे करना है, मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ डिफाइन नेम में आएंगे और यहाँ अमाउंट डाल देंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, छोटा दिख रहा है ना, इसको इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं।
अब यहां पे हम सिंपल से क्या करेंगे, आप ये काम कर सकते हो कि मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ दो नेम। भाई यहाँ पे हो जाता है आर, आर मान लीजिए मेरे पास क्या है 5% है, तो हमने 5% डाल दिया। ओ सॉरी, आर नाम नहीं लेगा तो आर ई कर देता हूँ, करेक्ट। ले लिया। कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो नहीं लेता है। फिर यहाँ पे टी आ गया, टी मान लीजिए 3 साल है मेरा, 3 है, तो यहाँ पे 3 करके ओके कर। उसके बाद फिर हम डिफाइन नेम में जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट लेते हैं। अब अमाउंट में यहाँ हम इक्वल करते हैं C8, C8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर ई डिवाइड बाई 12। फिर एक और ब्रैकेट यहां ओपन करेंगे, यहां पे पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 2 है। ओके देन यहां पे ओके कर। अच्छा कोई ब्रैकेट मिसिंग है? अच्छा एक ब्रैकेट और क्लोज होगा ना। हाँ यहाँ शुरू जो हमने किया था स्टार्टिंग में, देन फॉर्मूला इज मिसिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरामीटर्स। ये आपका यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। अच्छा इसमें एक ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप दे दीजिए अमाउंट, और रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एंटर करेंगे रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। ओके रिजल्ट आने के पीछे क्या हुआ, सर्कुलर रेफरेंस दिख रहा है। अब सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है पता है आपको, कि हमने जहां पे फॉर्मूला लगाया है ना, हमने उसी का रेफरेंस ले लिया। अभी थोड़ी देर सर्कुलर रेफरेंस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। यहां मुझे B8 करने चाहिए थे, B8 करने पे फिर रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो कहीं भी जैसे मैंने यहाँ पे 85,000 दे दिया, और यहां मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दिया अमाउंट, एंटर कीजिएगा आ जाए। क्लियर है सर? चर्चिल जी, यस बड़का जी, समझ में आया? सर, यस सर, अच्छा यस। इसमें जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते। याद होगा मैंने आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाया था, तो हमने एक कॉस्ट और एमआरपी वाला एग्जांपल आपको पढ़ाया था, कॉस्ट एमआरपी। तो कॉस्ट 30 है और एमआरपी मान लीजिए कॉस्ट 50 है, 60 है, एमआरपी मुझे निकालना है। तो मैंने सिखाया था आपको कि मैं इसको 5% निकालूंगा, फिर मैं अपने कॉस्ट के अंदर जाके इस 5% को ऐड करूंगा, फिर मुझे अगेन इसमें से 5% अलग करने, सॉरी उसको दो से रख दिया, हाँ इसको मल्टीप्लाई बाय 10% निकालने हैं, और फिर इसमें हम प्लस 10% करेंगे। देन यहाँ आते हैं, मुझे इसमें से 20% यहाँ पे हाँ D14 हो गया, तो यहाँ हमने 15% अलग करना है, और इसके अंदर हमें 15% ऐड कर देना है। उसके बाद फिर मुझे इसमें से 20% अलग करना है, और अपने खरीद में मुझे 20% ऐड करना है। फिर हमने आपको बताया था कि इसको सबको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हमें कंबाइन करना है। तो आपको याद होगा कि ये बहुत बड़ी फॉर्मूला बन गई थी, क्या सर याद है या भूल गए? यस सर,
यस इस तरह से कंबाइन करते जाएंगे तो धीरे 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 बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, ध्यान रखिएगा अगर आपके ऊपर वैल्यू तो नीचे कर्सर रखेंगे साइड में, क्योंकि आपने जैसे कि मैंने यहाँ बनाया कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, तो हमेशा जहाँ पे लगेगा उससे एक सेल आगे कोई पिक करेगा, समझ गए? इसलिए ध्यान रखिए। फिर डिफाइन नेम पे हम जाते हैं। जैसे फॉर्मूला में तो हम जैसे ऊपर वाले फॉर्मूला हमने B8 सेलेक्ट किया था ना, तो वो तो हम सेल तो कहीं पे भी रखे नहीं, उससे इसमें ऐसी फर्क चीज नहीं। नहीं है। इसमें आप जो है ना, जो फर्स्ट टाइम जो नेम डिफाइन कर रहे हैं, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसी को आगे बढ़ेगा, उसी को लेगा सर। अब जो उसकी इस प्लेसमेंट, प्रॉब्लम के ऊपर हम कल आपके साथ बातचीत करेंगे, समझे? पहले हम जान लेते, क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूँ ये हर एक्सेल में यूज होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं रेंज सेलेक्ट करने को लेके, उसका सोल्यूशन सिर्फ लेटेस्ट एक्सेल में है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है मैम, कि जैसे आपने यहाँ पे 50,000 कर दिया, आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अमाउंट निकालूं, तो ये डिफाइन नेम नहीं लेगा, क्योंकि जैसे डिफाइन नेम लगाओगे जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा उसी का बग वालेगा, क्योंकि जब मैंने डिफाइन नेम किया था तो कर्सर उसी हद से ले गया था, तो वो हमेशा क्या करता है, जो कर्सर जहाँ पे रहता है ना उसके बगल वाले को पिक कर लेता है, मतलब जो रेंज देते हो उसी उसकी सिक्वेंस को पिक कर लेता है, फिर दूसरी जगह लगाते हो तो उसी हिसाब से वो इंक्रीज होता है। समझ में आया आपको कि नहीं प्रॉब्लम? यस सर, सो 50,000 के नीचे भी नहीं लेगा। नहीं, जिस सिक्वेंस में आपने फर्स्ट टाइम बनाया है ना उसी सिक्वेंस को फॉलो अच्छा, करें। ठीक है ठीक है। और इसको इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बात करेंगे कल आपके साथ लॉजिकल फॉर्मूला में, जो नए फॉर्मूले आए हैं ना, लैम्डा, लेट, मैप, नॉट, रियूज, स्कैन, ये सब इसी चीज के लिए बना हुआ है, जो कि हम बात करेंगे आपको कल की क्लास में। पहले आज की नॉर्मल प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ठीक है? तो हमने यस कर्सर यहाँ पे रखा, डिफाइन नेम में गया, और हमने सबसे पहले निकाला कंपनी कॉस्ट, तो सी अंडरस्कोर सी, या सी सी कर दीजिए, सी सी कंपनी कॉस्ट। कंपनी कॉस्ट में हमने बोला यहाँ पे, यहाँ ए कि कॉस्ट 50 मल, अच्छा इसमें डॉलर साइन आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा डॉलर साइन नहीं लेना है, ठीक है? वरना फिर वो हमेशा उसी से लिंक रहेगा आपका, सो डॉलर साइन नहीं पिक करना है। हो सके तो आप मैनुअली लिख दीजिए कि B11 प्लस ब्रैकेट में B11 का 5%, समझ गए? उसके बाद फिर मुझे वापस डिफाइन नेम करना है, और मुझे इस बार यहाँ निकालना है इसका डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, DC निकालना है। तो DC क्या होगा, DC कॉस्ट होगा होगा CC प्लस CC, मतलब यहाँ पे हमने किया है ना इसका, ये निकाला है ना डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट का, सॉरी मैन्युफैक्चरर कॉस्ट का 5%, 10%, इसका 10%। तो जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है ना, सेम कैलकुलेशन को हमें आगे बढ़ा, फिर इसमें तीसरा नाम होगा, वो होगा मान लीजिए SC होलसेलर प्राइस, मतलब 15%, किसका, DC का, DC डीसी का प्लस DC मल्टीप्लाई बाय 15%। फिर इसमें क्या होगा, अगेन डिफाइन है, अब यहाँ पे होगा SC हो गया, तो इसमें हो जाएगा रिटेल, एक मिनट मैंने कितना परसेंट निकाल लिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने निकाला CC, CC क्या है 5%, तो DC हमारा 10% हुआ, SC हमारा जो है एससी 15% हुआ। फिफ्टीन अब मेरा फाइनली MRP निकलेगा 20% का, तो MRP, और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल HC प्लस HC का 20% एंड ओके। अब कुछ नहीं करना है सर, इक्वल MRP।
तो इसमें क्या होगा, जब ये जो अब मैंने बताया था कंबाइन वाला सिस्टम जो बताया था, क्या एक के नीचे एक के नीचे, एक में एक के अंदर दूसरे को, दूसरे के अंदर तीसरे को, इस तरह से आप कंबाइन कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, किसी एक का परसेंटेज आपको चेंज करना पड़ा ना तो मुश्किल होगा। जैसे इसी पे देखिए, मुझे 5% चेंज करना है तो कितना जगह चेंज करना पड़ेगा, 5% 10% चेंज करना है तो काफी जगह चेंज करना पड़ेगा ना हमें, क्या सर? तो यहाँ तो चलो 5% कहाँ जगह, दो बार आया, दो जगह हम चेंज कर, 5 की जगह पर 6% हो गया। देखिए जैसे ही ये कटेगा तो फिर 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो फाइनली में कॉपी पेस्ट होते होते क्या हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। 1% को हमें 8 बार चेंज करना पड़ेगा। बट मान लीजिए 5% नहीं रहा, 5% की जगह पे मैं 7% हो गया, 6% हो गया, तो डिफाइन नेम में जाना है, अपना परसेंटेज को यहाँ से चेंज करना है। यहाँ चेंज करते बाकी सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। हो गए चेंज? यस तो इसका यूज हम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अभी तक हमने डिफाइन नेम में जस्ट मैथमेटिकल चीजें यूज की है, क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मूलेज? जैसे याद होगा मैंने आपके सामने इफ का फॉर्मूला लिया था, हमने नेस्टेड इफ बताया था, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे 0 to 40 होगा तो 500, 41 to 80 होगा तो 1000, 81 to 100 होगा तो 2000, एंड ग्रेटर देन 100 होगा तो 5000। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, इफ सेलेक्ट किया एज लेस देन इक्वल टू 40 to 500, देन इफ इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80 तो 1000, अगेन इफ सेलेक्ट किया कि देन इफ लेस देन 100 2000, अदरवाइज इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 100 है तो 5000। एंटर प्रेस कीजिए। अच्छा इसमें हमने इफ नहीं लगाया, रिजल्ट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी बड़ी फॉर्मूला आप तो लगा ले रहे हैं क्योंकि आपने तो सुधीर सर की क्लास ली है, लेकिन आपके कलीग मैनेजर्स तो उन्होंने क्लास नहीं लिया ना, उनके पास तो प्रॉब्लम है। अब उनको लगाने में ये फॉर्मूला कॉपी करने में भी, मैंने लगाने के दूर तो है कि किसी सेल से फॉर्मूला मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे उस फॉर्मूले को कॉपी करने भी उनको दिक्कत होता है। तो उस केस में आप क्या करें, फॉर्मूले को पूरा कॉपी करें और चले जाएं डिफाइन नेम पे, और डिफाइन नेम पे मैंने मान लीजिए कि लगा दिया INC नाम से, और यहाँ पे हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, देन ओके। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक कॉल INC, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो डिफाइन नेम का मैंने तीन दो तीन यूज बताया। पहला यूज बताया कि किसी भी एरिया को आप नाम दे सकते हैं, दूसरा यूज बताया कि इसमें आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ी आसानी से फिट कर सकते ताकि बार बार ना कर सके, तीसरा यूज मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से एक्सेल के जो फॉर्मूलेज है ना उसको भी सिंपलाइज कर सकते हैं। ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। विदाउट सर, सचिन जी, प्रकाश जी, नो नो सर। सर। आगे बढ़े इसमें। अब यस तीसरा तीसरा जो आता है वो आता है रेफरेंस यूज करने के लिए, रेफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लोन अमाउंट दिया, लोन अमाउंट ये हमारा डेट है, ये हमारा टाइम, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या करना है कि EMI, और यहाँ पे स्टार्ट डेट, लोन डेट, डेट जैसे मैंने यहाँ पे डाला 50,000,
डेट डाला 5% टाइम डाला मैंने 3 साल, और हम 3 साल, हाँ 3 साल डाला, और डेट आज की डाली। तो मुझे एक क्या करना है कि एक टेबल क्रिएट करना है, सीरियल नंबर, ईएमआई, डेट, ठीक है, ईएमआई, डेट और इसमें अमाउंट, समझ आया सर कि नहीं। पूरा एक शेड्यूल बन जाए कि कब कितनी ईएमआई और कब कब देनी है। तो सीरियल नंबर के लिए क्या होगा कि मंथली है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे इफ्स का फॉर्मूला दूंगा कि अगर ए ग्रेटर देन दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई ना सर, और फिर इसको फ्रीज करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो हर कोई समझ में आ जाएगा कि मंथली है क्या है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि इसको लीजिए यहाँ पे और सी ई एम आई, क्या कर दीजिएगा, सी ई एम आई मतलब काउंट ऑफ ई एम आई टोटल, और यहाँ पे F3 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ड्रैगिंग से बचने के लिए, फ्रीज से बचने के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ डॉलर साइन का होना जरूरी है, समझे। तो यहाँ अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन है सी ई एम आई देन ब्लैंक अदरवाइज इसमें +1 करें, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया और इसको नीचे तक ट्रैक। आप देखेंगे कि 36 तक का लिस्ट बन गया ऑटोमेटिक। अगर मैं साल में मान लीजिए कि ऊपर में 1 साल ही दे देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ 1 ईयर, 1 ईयर पे देखिए कि 12 महीने का ही बन रहा है, ठीक है सर। अब ईएमआई डेट के लिए भी हमें क्या करना है, ई डेट का फॉर्मूला लगाना है, ई डेट, ठीक है। तो यहां हमारा स्टार्ट डेट है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं एसटी, S2 सेलेक्ट है हमारा। अब यहां भी हम करेंगे ई डेट फॉर्मूला, ई डेट हम स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे कॉमा और इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसको इसको भी हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो यहाँ भी एरर आने के चांसेस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे फॉर्मूला इफ एरर और यहाँ पे ट्राई करते हैं नीचे तक ड्रैग, ठीक है सर। यस अब यहां पे मुझे ईएमआई करना है, ठीक है ना, ये कितनी ईएमआई हो सकती है। तो बेसिकली अब मैं कहीं यहां पे डिफाइन नेम में यहां पे ईएमआई का हमने निकाला। अब ईएमआई में क्या है, यहां पे सिंपल सा 50, यहां पे ब्रैकेट में लीजिएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना है सी ई एम आई से, और यहां इक्वल ई एम आई ये 200, नहीं, इसमें एक छोटा सा गलती हो गई है, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट निकाला ना इस, नहीं, ई एम आई को सेलेक्ट करना है हमें ना, ई एम आई ये तो सिर्फ इंटरेस्ट निकाला ना, इसमें मुझे प्लस भी तो करना है और इनको ब्रैकेट में रखना है ताकि डिवाइड कर
पहले ना हो जाए। अब करेक्ट ईएमआई, ये सिंपल इंटरेस्ट का ईएमआई है, इसके लिए पीएमटी वगैरह का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंशियल है वो इसी तरह का ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको भी आप इफ कंडीशन के साथ लगाएंगे कि इफ अगर ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो ए अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक है। तो बहुत सारे जगहों पे आप इसी तरह की कैलकुलेशन देखें, समझ गए? माइक्रोसॉफ्ट, यस खासकर माइक्रोसॉफ्ट की जो टेम्पलेट फाइल वगैरह होती है उसमें इस तरह कैलकुलेशन, इस तरह कैलकुलेशन ही क्या होता है, बार बार फ्रीज करना और बड़े बड़ी फॉर्मूला यहाँ पे करना, वो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो तीन प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम के डिस्कस हम कल की क्लास में करेंगे। आज जो है आप एक बार इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कल जो है इससे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे।